CO2 एक कॉमन प्रोसेस है ना, इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल CO2। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ CO2 व्हिच इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी? वी विल यूज दैट ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हिच वी हैव स्टडीड इन रेस्पिरेशन इन प्लांट इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, है ना? हम ग्लाइकोलाइसिस में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलो। यस मैम, है ना? चलो फिर तो हम आज की क्लास में एग्जैक्टली ये देखेंगे, बट उससे पहले आई जस्ट वांट कि आप लोगों को सिलेबस पता है अपना टेस्ट का क्या है? यू नो द सिलेबस? 14th ऑफ जन में आपका सिलेबस होने वाला है, एंड जिस सिलेबस देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, बायो में आपके दो चैप्टर जो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, यही आपका आने वाला है। तो मेक श्योर आप इन चैप्टर्स का प्रॉपर रिवीजन करके रखें, ताकि 14th ऑफ जन का, एंड मेक श्योर बच्चों टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है हर किसी को, बिकॉज टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एग्जैक्टली हमको बताता है कि हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं वो चैप्टर्स को हमको अच्छे से हमने गेट इन कर लिया है या नहीं किया है। ठीक है, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक विद द रेस्पिरेशन। सो वी ऑल नो रेस्पिरेशन is a what type of process? Respiration is a physiochemical process. Why we are calling it physiochemical process? It involves both physical and chemical properties. Exactly, because it involves both physical change as well as chemical change. Physical change, there is no change in the state. In the chemical change, there is a new product formation occurs. यही पढ़ा है ना हमने पुरानी छोटी क्लासेस में, बताओ। तो अब मैं एक ना आपको सिंपल सा मैकेनिज्म बताऊंगी कि हम लोग एग्जैक्टली इस चैप्टर में हम समझने क्या वाले हैं। तो ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल है। बच्चे डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, ड्राइंग मत देखना कि मैम कितना गंदा सा ड्रॉ कर रही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट रफली, ठीक है? ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है? ये उसका नोज, नोज से ऐसे नॉस्ट्रल, इधर ये आपके लिप्स और इधर ये टीथ सीथ बना देना, इधर आपका ये विंड पाइप एंड इधर आपका लंग्स, और लंग्स के अंदर है यहाँ पे एंड में वी हैव एल्वियोलाई, ठीक है? इन द आउटर एटमोस्फेयर, हियर इज आवर एटमोस्फेयर, व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली डूइंग? इट इज इनहेलिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल करेगा थ्रू इट्स नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से होता हुआ इट विल गोज अप टू द ट्रैकिया, देन ट्रैकिया से पहले आपका लेरिंग्स आ जाएगा। लेरिंग्स इज व्हाट? लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, ठीक है? एंड ये एंड तक आएगा किधर? हमारा एल्विओलाई तक। एल्विओलाई में क्या होगा अब एग्जैक्टली? एल्विओलाई के जस्ट नियरेस्ट टू द एल्विओलाई वी हैव अ ब्लड कैपिलरी, ठीक है? इन दिस ब्लड वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू एंड इन द एल्विओलाई वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू, सो देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स हियर, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना, बिकॉज इन द एल्विओलाई वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू, इन द ब्लड कैपिलरी वी हैव लो कॉन्सेंट्रेशन, देन ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इन द ब्लड कैपिलरी एंड दिस सीओ टू विल डिफ्यूज इन द एल्विओलाई, इन द सेम टाइम दिस सीओ टू विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगी। ये एक बेसिक सा प्रोसेस है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा हमारे? दिस ऑक्सीजन विल ट्रांसफर अप टू आवर टिश्यूज। What is exactly happening in the tissues? Let's suppose यही मेरा कैपलरी है, this capillary is like this. Glucose. Yeah. इधर we have in this capillary we have how high amount of oxygen and in the tissue we have low amount of oxygen, low concentration of oxygen. Then there will be the diffusion of O2 from blood capillary to the tissue. होगा या नहीं होगा? And this tissue will use this oxygen for which process? For the breakdown of glucose, and then it will make CO2
प्लस एच टू ओ प्लस एनर्जी एंड देन दिस सीओ टू, हियर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू, हियर इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू, देन सीओ टू विल डिफ्यूज इन टू द ब्लड एंड ब्लड से आते हो फिर एल्वियोलाई, देन एल्वियोलाई से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैकेनिज्म बताया, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इंटायर मैकेनिज्म इन होल चैप्टर कि हाउ दिस डिफ्यूजन इज अकरिंग एग्जैक्टली, ये डिफ्यूजन हो कैसे रहा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वी कैन से द इनहेल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इंस्पायरेशन, and exhale is known as expiration. This mechanism of inspiration and expiration is known as breathing, or we can also call it ventilation. So this is our first mechanism now, which is actually going on here. The first is our breathing or ventilation. Then the second process is our diffusion of gases. Second process we have diffusion of gases, and the third process is transport of gases. Gases ka transport ho raha hai. And the fourth one processes are cellular respiration. Are we all clear with all the four processes? The first one we have breathing or ventilation, second we have diffusion of gases, third transport of gases toward the all tissues, and then fourth one is our cellular respiration. Harshada, Kiran, Devisha, Om, batao. Anushka, Venisha, samajh aaya na sabko? Yes, ma'am. चलो ये हमको यहाँ तक क्लियर हुआ, नाउ लेट्स कम टू द ह्यूमन, दिस इज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस सिस्टम, we already know the system start with the nostrils, we have two pairs of one pair of nostrils, exchange of gases is exactly occurring. Now yahi ho raha na? yes ma'am. So sabse pehle hamare paas hai a pair of nostril, and then after pair of nostril we have epiglottis. What is epiglottis? Epiglottis is a flap like structure. ये एक फ्लैप लाइक, मतलब फ्लैप समझते हैं ना, फ्लैप इज अ ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये मेरे पास एक पाइप है, आई जस्ट वांट कि इस पाइप के अंदर किसी भी पार्टिकल की एंट्री को मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी पार्टिकल इन टू दिस, तो क्या करोगे, एल कैप, कवर इट विद अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर से हम इसको कवर अप करके चलेंगे सो दैट कोई भी अनवांटेड पार्टिकल इसके अंदर एंटर ना हो पाए। यस मैम, सेम यहाँ पे ये हो रहा है। तो हम व्हाई वी नीड टू कवर अप दिस ट्रेकिया, दिस ट्रेकिया इज गेटिंग कवर्ड विद एपिग्लोटिस, व्हाट इज द नीड ऑफ कवरिंग दिस ट्रेकिया, कॉमन पैसेज और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, विच इज द कॉमन पैसेज, ट्रेकिया और फेरिंग्स, ट्रेकिया लिखो इस लाइन को, नोट इट डाउन, we have a pharynx, what is pharynx, pharynx is the common passage for food and
ठीक है, मैं आपको इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ. लेट सपोज वी हैव दिस फेरिंग, दिस इज योर फेरिंग्स. इधर से हमारा ऑक्सीजन भी आ रही है एज वेल एज फूड पार्टिकल्स इज ऑल्सो कमिंग. देन दिस फेरिंग्स गेट डिवाइडेड इन टू टू पाइप्स. This pharynx get divided into two pharynx. The one pipe is your food pipe and another one is your wind pipe. So here is the possibility that the food particle which is coming from the pharynx, it can enter into your wind pipe. And if a food particle get entered into the wind pipe, then how exchange of gases will occur? नहीं हो पाएगा ना. अगर कोई फूड पार्टिकल होता है ना, मतलब एवरीवन सेज कि यू शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग ईटिंग, हमको खाना खाते टाइम कभी बोलना नहीं चाहिए. व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज जब हम बोलते हैं तो बोलते टाइम इट माइट बी पॉसिबल कि जो हमारा फूड पार्टिकल है जो हम खा रहे हैं वो फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में चल रहा है. अचानक से वी स्टार्ट कफिंग, होता ना कभी कभी हम बोल रहे होते हैं वी स्टार्ट कफिंग, इंटेंस कफिंग होने लग जाता है. वो कफ किस लिए होता है हमको? बिकॉज हो सकता है कि देयर माइट बी कुछ छोटा मोटा पार्टिकल आपका विंड पाइप में एंटर हो गया है एंड इट ट्राई टू प्रिवेंट इट, कफिंग के थ्रू उसको विंड पाइप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं. कफिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो विंड पाइप में फूड पार्टिकल की एंट्री होने के बाद होता है. क्लियर? तो दिस विंड पाइप इज नोन एज trachea and this food pipe is known as esophagus. तो हमको कौन से पाइप को नीड है कवर अप करने की? विंड पाइप को ना. तो वी विल कवर अप दिस विंड पाइप, दिस trachea थ्रू आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज योर एपिग्लोटिस विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द विंड पाइप. ठीक है, इसके बाद वी हैव लेरिंग्स. व्हाट इज लेरिंग्स? लेरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स. जितना ज्यादा लेरिंग्स के ऊपर टेंशन हम क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पिच हाई होता चला जाएगा. अभी मैं बहुत लाउडली बोल रही हूँ, इट मीन्स मेरे लेरिंग्स पे बहुत टेंशन क्रिएट हो रहा है. If I am trying to speak slowly, तो हमको होता है ना कि थोड़ा जब हम बहुत ज्यादा बोल लेते हैं तो गले में दर्द होना शुरू हो जाता है. टीचर्स को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी होता है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको होती होगी, होता है ना वो. क्यों? क्योंकि हम अपने लेरिंग्स पे इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं, वो बेचारा थक जाता है. क्लियर? वॉट इज लेरिंग्स? लेरिंग्स इज नॉन एज साउंड बॉक्स. एंड ये साउंड बॉक्स आपका बना होता है कितने कार्टिलेज से? इट इज मेड अप ऑफ नाइन कार्टिलेज. कार्टिलेज. देन वी हैव ट्रेकिया. ट्रेकिया वी नो, ट्रेकिया इज योर विंड पाइप. अब ये ट्रेकिया है, दिस ट्रेकिया, इसी ट्रेकिया के जस्ट बिहाइंड साइड, पीछे की साइड में है आपका फूड पाइप. जैसे आगे ये ट्रेकिया है और पीछे के है इसके फूड पाइप. तो क्या होता है यहाँ पे? ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया इज कवर्ड विद अ कार्टिलेजिनस रिंग के थ्रू ये कवर्ड अप होता है. ट्रेकिया इज कवर्ड विद सम कार्टिलेजिनस रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स इसके ऊपर होती है. बट वो रिंग्स कंप्लीट रिंग कैसी होगी? कैसी होगी ना, ये कंप्लीट रिंग होगी. और इनकम्प्लीट रिंग कैसी होगी? सी शेप. ऐसे ये इनकम्प्लीट क्यों बनाई गई है? बिकॉज हमको कार्टिलेज, सिर्फ कार्टिलेज जो रिंग बनाना है वो किसके ऊपर बनाना है? ट्रेकिया के ऊपर बनाना है. आगे ट्रेकिया है, पीछे फूड पाइप है, तो इसलिए हम उसको कंप्लीट नहीं बना पाए, सिर्फ हाफ हाफ बना पाए, ऐसे हाफ मून के जैसे. तो ट्रेकिया किसके थ्रू कवर्ड अप है? ट्रेकिया इज कवर्ड अप थ्रू कार्टिलेज रिंग्स, सी शेप, या फिर वी कैन कॉल इट इनकम्प्लीट ऑल्सो, सी शेप कार्टिलेज. एग्जैक्टली, हायलिन कार्टिलेज से बनी होती है ये, और ये आपका डॉर्सली प्रेजेंट होती है, डॉर्सली. एंड यही ट्रेकिया, दिस ट्रेकिया गेट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन. किस पोजीशन पे ये डिवाइड होता है? इट डिवाइड एट T5 पोजीशन. क्वेश्चन आता है यहाँ से,
इट डिवाइडेड टू टी फाइव पोजिशन. वॉट इज टी फाइव हियर? फिफ्थ थोरैसिक कैविटी. एग्जैक्टली. इट डिवाइड एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड अप हो जाता है. तो ट्रेकिया, देन वी हैव ये लेफ्ट, इधर लेफ्ट और इधर आपका राइट साइड आपका स्टार्ट हो गया है. ठीक है, बेसिकली इधर राइट होता है, इधर एरियर लेफ्ट. अगर हम देखेंगे वी हैव टू लंग्स. ठीक है, बोथ लंग्स आर कवर्ड अप विद अ मेम्ब्रेन. दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन. दोनों के दोनों लंग्स कवर्ड अप होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के थ्रू. एंड दिस प्लूरल मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एक आउटर प्लूरा एंड द वन इज इनर प्लूरा. आउटर प्लूरा इज नोन एज विजरल प्लूरा एंड इनर प्लूरा इज नोन एज पैराइटल प्लूरा. वी कैन इजिली कॉल आउटर प्लूरा विजरल. विजरल प्लूरा इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रिब्स. रिब्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा. एंड इनर प्लूरा इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लंग्स टिश्यू. वो हमारा लंग्स के टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, होगा ना. एंड इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स वी हैव अ फ्लूड. इन दोनों के बीच में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है. दैट फ्लूड इज नोन एज प्लूरल फ्लूड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लूरल फ्लूड? दिस प्लूरल फ्लूड रिड्यूस फ्रिक्शन. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रिक्शन. ये हमारा फ्रिक्शन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. क्लियर? सबसे पहले एपिग्लोटिस, देन वी हैव लैरिंग्स, देन ट्रेकिया व्हिच इज नोन एज विंडपाइप कवर्ड विद सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग. डोर्सली प्रेजेंट होता है. देन ट्रेकिया गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कहां डिवाइड हो रहा है? टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा. एंड देन वी हैव अ राइट लंग, वी हैव अ लेफ्ट लंग. Both the lungs are covered with a membrane which is known as pleural membrane, which is double membranous. Outer membrane is known as visceral, inner one is known as parietal. Between the two membranes we have a pleural fluid which helps to reduce friction. Clear? Gayatri, Harshada, Devisha, Mantasha. Yes ma'am. Chalo, ye humko clear hai. Then aap dekh rahe hain in लंग्स के जस्ट बिलो साइड में वी हैव अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच इज योर डायफ्राम. मस्क्यूलर स्ट्रक्चर ये आपका डायफ्राम होता है. क्या फंक्शन होता है वो आपको आगे समझ में आएगा. इन द लेफ्ट लंग वी आर जस्ट सीइंग कि यहाँ पे हमको एक छोटा सा नोच दिख रहा है लंग्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे बीच में हमारे पास हर्ट है. हर्ट हमारा किधर होता है? आपका बिल्कुल सेंटर में होता है हर्ट. बस वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट इज प्रेजेंट इन राइट साइड और लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. बिल्कुल सेंटर में है बट वो थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में. तो हमारे लेफ्ट लंग की साइड ये झुका हुआ है, तो हमारे लेफ्ट जो लंग है वो थोड़ा सा पिचक गया है वहां से. इट गेट सप्रेस्ड. तो सप्रेस होने की वजह से यहाँ पे एक नोच बन गया है. दैट नोच इज नोन एज कार्डियक नोच. वेरी गुड. दिस इज योर कार्डियक नोच. बताओ यहां तक चीजें समझ में आया सबको? यस मैम. आस्क, कार्डियक नोच फाउंड इन लेफ्ट लंग और राइट लंग? लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग. लेफ्ट. बताओ राइट और लेफ्ट? लेफ्ट. लेफ्ट. एग्जैक्टली. कुछ बच्चे आई गेस राइट बोल रहे थे. तो बच्चों याद रखना हमारा हर्ट किधर साइड प्रेजेंट है. हर्ट प्रेजेंट ऑन आर लेफ्ट साइड. दैट्स व्हाई कार्डियक नोच इज ऑल्सो एट लेफ्ट लंग. ठीक है? यस मैम. पूरा डायग्राम क्लियर है बिल्कुल हमारे माइंड में? यस मैम. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास वी हैव ट्रेकिया. ठीक है, ट्रेकिया हमने डिवाइड कर दिया. ट्रेकिया गेट बाइफर्केट, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एंड देन ट्रेकिया के अंदर वी आर सीइंग फर्दर डिविजन्स. फर्दर डिविजन्स हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ये जैसे होता है ना ब्रांचिंग होता है, जैसे
एक ब्रांच है उसी के अंदर से दूसरा ब्रांच निकल रहा है, उसी के अंदर से थर्ड ब्रांच निकल रहा है, बिल्कुल उसी के जैसे ब्रांचेस है। इन ब्रांचेस को मैं आपको डिटेल में कराती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक किसी को कुछ भी नोट डाउन करना है, जस्ट नोट इट डाउन, देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट स्लाइड। नोट डाउन करो जल्दी से। Now it's done. Let's move on to the next part. We can divide our respiratory system into two zones. हम अपने respiratory system को दो zones में divide कर सकते हैं. The first we have conducting zone. And second we have respiratory zone. If I ask you the difference between both zones, then you would be very clear ki ma'am conducting zone helps in the transport of gases. So gas ko ye transport kar raha hai from outer environment to the inside the lungs, and respiratory zone is that part which is actually helping in diffusion of gases जो करा रहा है। So we will just make it clear कि हमारा lungs का कौन सा zone कहाँ conducting में आता है and which zone is coming into the category of respiratory zone। ठीक है? चलो। सबसे पहले we have our trachea, then trachea get divided into two part which is your bronchi. And we have same left bronchi and right bronchi. Then bronchi divide into bronchioles. And then bronchioles get divided into secondary bronchioles. Okay. Terminal bronchioles. इसी को आप ब्रोंकी को अगर टर्मिनल ना डायरेक्टली लिखना चाहे यू कैन राइट इट, हमारे पास वी हैव सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड यू कैन राइट इट टर्शियरी ब्रोंकियोल एंड देन वी हैव टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड देन टर्मिनल ब्रोंकियोल अगेन हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल and then respiratory bronchioles have alveolar duct and then the last one we have alveoli. This is the basic chart. So firstly we have trachea, then bronchi, bronchioles. Bronchioles ko hum primary bronchioles bhi bol sakte hain, then secondary, then tertiary, then terminal, then we have respiratory bronchiole, then alveolar duct and then alveoli. Now we will learn ki hamara which zone is coming into the conducting zone up from your trachea up to the terminal. From trachea to the terminal bronchiole, this zone is known as conducting zone, and respiratory zone starts from where? Respiratory bronchioles. यहां तक आपको याद रखना है कि कौन सा जोन हमारा किधर आ रहा है। समझ आया यहाँ तक ये पार्ट? Yes, पार्ट व्हाई ट्रेकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल इज नॉट हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का पार्ट हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इस रीजन के जो टिश्यूज है, जिस टिश्यूज से ये बना है, दोस टिश्यूज आर नॉट कैपेबल फॉर डिफ्यूजन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, ये यहां से लेके यहां तक का जो जोन है इट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल कॉलिमनार एपिथेलियम, इससे ये बना होता है, दैट्स वाई इट इज नॉट हेल्पिंग इन डिफ्यूजन। बट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ सिंपल squamous epithelial tissue.
That's why this region is helping in diffusion. And we all very well know what is diffusion. Diffusion is the movement of particle from high concentration to low concentration. यहां तक समझ में आया सबको? चलो, now we will start with our next point, which we have our alveoli. If we talk about what is alveoli, alveoli is a single unit of lungs. Yes. Lungs की एक unit है. Approx हमारे पास कितने alveoli होंगे? We have million. 300 million, 300 million हमारे पास alveoli है. कितना इनके पास surface area है? They have 80 to 100 meter square का area इनके पास around present होता है. ठीक है, what is exactly alveoli is doing? Let's suppose we have, this is your alveoli. ठीक है, तो alveoli से पहले this is your alveolar duct. ये हमारे पास alveolar duct है और ये हमारे पास पूरा alveolar के अंदर का cavity. In vicinity to the alveoli, we have a ब्लड कैपिलरी. ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी होगा ना. एंड इन द एल्वियोलाई वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2. इन द ब्लड कैपिलरी वी हैव लो कॉन्सेंट्रेशन. सो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल. एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी डिफ्यूज करेगा. नाउ माय क्वेश्चन हियर इज व्हिच लाइक नेम द मेम्ब्रेन्स व्हिच इज इन बिटवीन द डिफ्यूजन प्रोसेस और वी कैन से हाउ मेनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स वी हैव. टू मिडल बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. वी हैव दिस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, वी हैव दिस ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन and we have this inner between ये substance भी है हमारे पास बीच में. तो we have how many membranes? Two. Three. Three. The first is your simple squamous alveoli. एंड इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास? वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंस और वी कैन कॉल इट बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड देन थर्ड वन वी हैव एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी, वेरी गुड. सो वी हैव थ्री मेम्ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन. And here is one point also, the thickness of these three membranes, in tino ki tino membranes ki jo thickness hai, it should not be more than 1 mm. Ye 1 mm se zyada nahi honi chahiye. If it is more than 1 mm, then it will affect our diffusion. So we can call it here, what are the factors jo hamare diffusion ko affect kar raha hai, factors affecting diffusion. The first is your thickness of membrane. Affect करेगा नहीं करेगा thickness of membrane. Second we have partial pressure. Gases का partial pressure क्या है? Second, gases कितना ज्यादा soluble है. Third one will be solubility of gases. These are the three factor which can affect the diffusion of gases through alveolar membrane. Are we all done with this? Yes, this is your blood capillary. Let me make it down with your blood. Now what will happen? Abhi hum isko ek sequence mein padh rahe hain. Nose ke through we have inhaled the oxygen and this inhaled oxygen get
अप टू योर एल्वियोलर कैविटी, आपके एल्वियोलर कैविटी से गया एंड देन फ्रॉम एल्वियोलर कैविटी इट रीच अप टू द ब्लड कैपलरी. अब वो ब्लड कैपलरी तक जा रही है तो एग्जैक्टली ये एक्सचेंज होगा कैसे, हम वो देखते हैं. अब तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ एक्सचेंज विल अकर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी वेरी वेल नो व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन विल अकर ओनली फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सिर्फ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा. आई एम जस्ट लुकिंग एट द एटमोसफेयर. इन एटमोसफेयर वट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? इट इज 159 mmHg. एंड इन साइड द लंग्स वी हैव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 104 mmHg. तो नाउ वी हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर एंड वी हैव अ लो कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द लंग. देन ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम एटमोसफेयर टू द लंग्स. डिफ्यूजन होगा बिकॉज एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक जगह पे लो कॉन्सेंट्रेशन है. एंड देन फ्रॉम लंग्स के बाद इफ वी चेक इन टू द ब्लड, ब्लड में वी हैव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 95 mmHg. देन दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम लंग्स टू ब्लड. इफ वी टॉक अबाउट द टिश्यूज, इन साइड द टिश्यूज वी हैव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 40. देन दिस ऑक्सीजन will diffuse up to the tissues and tissues will utilize that oxygen and they will go into the cellular respiration. Is it clear ki kaise exactly exchange of gases ho raha hai? Now if we talk about CO2, to inside the tissues we have partial pressure of CO2 is 45, and if we talk about the blood, in blood it is 40. ब्लड के अंदर 40 है तो हमारे पास जो CO2 है, then CO2 will diffuse from tissues to the blood. Tissues से वो ब्लड में diffuse out होगी या नहीं होगी? And inside the lungs again we have it 40 around है, तो अगेन ये आपका ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में तो सिर्फ 0.3 है, देन वो लंग्स से एटमोसफेयर में डिफ्यूज हो जाएगा. यस मैम. तो ये हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा डिफ्यूजन हो कैसे रहा है. नाउ वी विल चेक विद दिस कि हाउ दिस दीज गैसेस ऑक्सीजन और CO2 आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. ये लंग्स से टिश्यूज तक कैसे ट्रांसफर हो रही है एग्जैक्टली. देन इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम टॉपिक देख सकते हैं. ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्लड के अंदर वी हैव टू कॉम्पोनेंट. इन द ब्लड वी हैव RBC और वी कैन से हीमोग्लोबिन, एंड इन द ब्लड वी हैव प्लाज्मा. प्लाज्मा भी है ना हमारे ब्लड के पास, 55% प्लाज्मा होता है. तो ऑक्सीजन जो है हमारा वो क्या होगा, 97% ऑक्सीजन तो डिफ्यूज होगा किसके थ्रू, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के थ्रू. एंड रेस्ट 3% विल डिफ्यूज आउट प्लाज्मा. प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन के साथ कैसे होगा, वी नो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, इट हैज 4 iron and then 1 hemoglobin molecule. एक टाइम में कितने ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, इट कैन ट्रांसपोर्ट 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन एट वन. मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 1 hemoglobin molecule कैन ट्रांसफर 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन एट वन टाइम. तो इट विल मेक HBO2. HBO2 इज known as oxyhemoglobin. Very good. And if we talk about CO2, CO2 के अंदर क्या होता है, RBC. RBC के थ्रू भी होता है. और देखो यहाँ पे क्या होता है ना, 23
percent get transferred with the help of hemoglobin, and this is known as carb amino hemoglobin. And rest 70% get a transfer in the form of bicarbonate, and then rest 70% get transfer in the form of plasma. So if we talk about plasma, to plasma ke liye we have a simple rule ki oxygen will get solubilized inside the plasma, and jaise jaise plasma move karega, oxygen will also move. If we talk about the hemoglobin, hemoglobin ke sath oxygen bind kar jayega, and jaise jaise hemoglobin move karega aise karega. To humko jo mechanism padhna hai, humko ye bicarbonate wala mechanism humko padhna padega ki how exactly CO2 is getting transferred in the form of bicarbonate. Padhna padega yani? Yes ma'am. Chalo ab zara hum isi ko dekh lete hain, exactly how this process is occurring. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैक्स क्वेश्चन यही से आते हैं, डिफ्यूजन ऑफ CO2 से. तो वेयर CO2 इज एग्जैक्टली फॉर्मिंग इनसाइड द टिश्यूज. तो आई हैव अ टिश्यू, ठीक है, इन विच C6H12O6 इज गेटिंग ब्रेकिंग डाउन इनटू CO2 प्लस H2O. तो यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग रेस्ड in the vicinity of the tissues. We have blood, and in the blood we have, what is this, RBC hai na ye. To CO2 pe kya hoga, 23% to hamare paas kiski form mein chala jayega, CO2 will combine with hemoglobin and it will get transfer in the form of carbamino hemoglobin. 7% kiske form mein jayega, with the help of plasma. Rest 70% ko hum dekh lete hain. To jaise hi hamare paas CO2 aayega, CO2 will combine with water and it will form H2CO3. What is H2CO3? Bicarbonate ion, carbonic acid. And this carbonic acid get break down into H positive plus HCO3 negative. This is known as bicarbonate ion. And this enzyme is catalyzed in the presence of an enzyme which is known as carbonic anhydrase. Very good. ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एज वेल एज इज द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड. एज वी आर लुकिंग हियर, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन आयंस की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन आयन, हमारा जो आरबीसी है वो एसिडिक बनता चला जा रहा है. हो रहा है, नहीं हो रहा है? Here hydrogen ions are getting accumulated just because of this hydrogen, RBC become acidic. So what will exactly happen? ये आपका जो bicarbonate बना है, this bicarbonate will get diffuse out from RBC into the plasma. Plasma के अंदर आएगा HC3O negative and it will combine with the sodium and get transferred, get into NaHCO3 ये बना लेगा. And this NaHCO3 will solubilize in the plasma. And with the plasma, ये आपका transport हो जाएगा. But हमारे पास जो अंदर का ionic balance है, वो disbalance हो रहा है, नहीं हो रहा है? Because अंदर से हम कोई negative ion बाहर भेज रहे हैं. Ionic gradient maintain हमको कराने के लिए, what we will do? We will shift chloride ion into the RBC. RBC के अंदर हम chloride ion shift करेंगे. And this process is known as chloride shift. Why we are shifting chloride from plasma to RBC? हम ये chloride को shift क्यों कर रहे हैं? एक ionic balance बना के रखने के लिए ना, because हम कुछ negative ion RBC से plasma में shift कर रहे हैं. तो अंदर negative ion कम होता जा रहा है, तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शिफ्टिंग सम सीएल नेगेटिव फ्रॉम प्लाज्मा टू इनसाइड द आरबीसी.
तो ये आयनिक वाला तो मेंटेन हुआ, बट व्हाट अबाउट दिस एच पॉजिटिव? इस एच पॉजिटिव का क्या करेंगे? तो ये एच पॉजिटिव हमारा क्या करेगा, दिस एच पॉजिटिव विल गेट कंबाइन, ये क्या करेगा, हमारे पास वी हैव ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ऑल्सो, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे क्या करा लेगा, एच एच बी बना लेगा. वॉट इज एच एच बी? एच एच बी इज योर हीमोग्लोबिन एसिड. वेरी गुड, हीमोग्लोबिन एसिड आपका बन जाएगा. तो दिस एच पॉजिटिव, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव क्या करा रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करा रहा है. एंड यही हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी की पीएच को भी मेंटेन रखवा रहा है, बिकॉज अगर अंदर हाइड्रोजन आयन बना रहा तो आरबीसी की पीएच बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है इधर, हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ बफर हियर, ये एक बफर की तरह वर्क कर रहा है. बिकॉज क्यों बफर की तरह वर्क कर रहा है, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग पीएच, पीएच मेंटेन करा रहा है. बताओ कुछ ऐसे तो नहीं लग रहा ना मैम, बहुत ज्यादा ज्यादा सा हो रहा है. नो मैम. विश्वा, नम्रता, बताओ बताओ. ओम, सिर्फ थम्स अप नहीं भेजना, बोल के बताना. बोलो 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 जल्दी जल्दी से. क्लियर है ना सबको यहाँ तक कि भाई वी आर, हाउ वी आर एग्जैक्टली डूइंग दिस डिफ्यूजन ऑफ सीओ टू? डन ना. चलो नाउ वी हैव अ कर्व, राइट इट डाउन अ पॉइंट. दिस इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज अगेन, एक सेकेंड वी हैव मिस्ड अ पॉइंट. दिस प्रोसेस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट is also known as phenomenon. This is known as hamburger phenomenon. Hamburger phenomenon. ये भी लिख लो. What we are calling this process? Chan. Yes, ma'am. Chalo. Now we have a very important topic of this chapter, which is your oxygen hemoglobin dissociation curve. Curve is of which type? This is a sigmoid curve. एक sigmoid curve है, ठीक है? How it actually looks like? एक ऐसे दिखाई देता है. ठीक है? इसके एक्स एक्सिस पे क्या है, व्हाट वी हैव ऑन इट्स एक्स एक्सिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ2, पार्शियल ओ2, ठीक है? एंड व्हाट इज ऑन वाई एक्सिस, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. वेरी गुड, परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है? अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमारे पास विद द हीमोग्लोबिन वी हैव 4 आयरन मॉलिक्यूल्स, 4 iron, and if we are getting added 1 oxygen, then out of the 4
थ्री साइट्स आर फ्री टू गेट कंबाइंड विद ऑक्सीजन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस हीमोग्लोबिन का कितना सैचुरेशन हुआ है अभी जब हमने एक एक ऑक्सीजन ऐड कराया, 25%। जब हमने दूसरा एक और पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो इसका यहाँ पे है 25, हियर वी हैव 50, 75, 100, ऐसे चल रहा है ये। तो हमने जब दूसरा भी ऐड करा दिया तो अभी कितना हो गया, 50%। 50%। जब हमने तीसरा भी ऐड करा दिया देन वी हैव 75%, एंड जब हमने फोर्थ भी ऐड करा दिया तब हमारे पास 100% सैचुरेशन हुआ है। नहीं तो यही बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारे पास सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, और वो सैचुरेशन एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा ना, बिकॉज हमारे पास सिर्फ फोर ही साइट्स अवेलेबल है ना, तो एक लिमिट तक। चलो ये हमको बताता है, अभी बोलता है कि एक नॉर्मल ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, या फिर ये शिफ्ट हो जाता है किधर, लेफ्ट साइड में। तो हम इनसी को नाम दे देते हैं कि हमारे पास अगर ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है वी विल कॉल इट राइट शिफ्ट, और अगर ये आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट हमारा कब होगा, जब हमारी बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशन चल रही हो, कब होगा ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, हमारा डिसोसिएशन होगा किसका, ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2 का डिसोसिएट होगा, HbO2 डिसोसिएट होके क्या बनवाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। अब खुद सोच के देखो, ऑक्सीजन टूट रहा है हीमोग्लोबिन से, कब टूटेगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, है ना। अगर ऑक्सीजन की कम है तो किसकी ज्यादा होगी, CO2 की ज्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन, होगी या नहीं होगी। Yes, ma'am. CO2 कैसी गैस है, CO2 इज अ एसिडिक गैस, है ना, एसिडिक गैस। तो ये एसिडिक गैस है तो हमारे पास एसिड है तो pH क्या हो जाएगा इस केस में, एसिडिक। एसिडिक पीएच कैसे होता है, कम ना। एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, लो पीएच, एसिडिक पीएच में हाई कंसेंट्रेशन होता है ना एच पॉजिटिव का, CO2 ग्लोबल वार्मिंग कराता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में टेम्परेचर हाई होगा लो होगा, हाई होगा। तो अभी हमने देखो ये बोला ना कि जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो HbO2 का डिसोसिएशन होगा, अभी हमने इसको यहाँ पे भी किया कि अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से HbO2 डिसोसिएट हो रहा है एंड ये ऑक्सीजन अलग हो रहा है एंड दिस हाइड्रोजन गेट कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिनिक एसिड बना रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सेम यहाँ चल रहा है। अब हम देखेंगे एंड ये अगेन इस राइट शिफ्ट को ही हम एक नाम देते हैं, दिस राइट शिफ्ट इज नोन एज बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारा लेफ्ट शिफ्ट क्या बोलता है, लेफ्ट शिफ्ट में सिर्फ इसका अपोजिट करा देना, यह अनफेवरेबल में है ये कैसे होगा, फेवरेबल, फेवरेबल। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो इधर एसोसिएशन एसोसिएशन होगा, और इधर एसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO2 कम, CO2 एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस नहीं है हमारे पास तो कौन पीएच हाई हो जाएगा, बेसिक पीएच हो जाएगा, बेसिक पीएच में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है और CO2 ग्लोबल वार्मिंग कराती है टेम्परेचर बढ़ाती है तो CO2 कम है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, एंड दिस फेनोमेनन दिस लेफ्ट शिफ्ट इज नोन एज हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, वेरी गुड। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे बिल्कुल क्वेश्चन आता ही आता है, आपको कंडीशन बना के दे देंगे कि इन द विसिनिटी वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2
we have high temperature, we have high H positive, then there will be association of O2 with hemoglobin, dissociation होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे conditional वाले questions आपसे पूछ लिए जाते हैं। बताओ, आया समझ में सबको? Yes, yes ma'am. Clear? तो चलो फिर आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं and we'll try in the next class we will finish this chapter. इस chapter को हम finish कर देंगे. बट मेक श्योर बच्चों मेरे पढ़ाने के बाद इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको पूरा एनसीईआरटी से